अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम मुसाफिर जया सर। अगर आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान कप जारी है T20 का, और डोमेस्टिक में मुस्लिम प्लेयर्स जो है ऐसा ले रहे हैं। आज जो मैच था लड़काना और पेशावर कप, पेशावर एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उसमें जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं सवार अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, हारिस अमर अजमत BSL खेले हैं, सबजादा अफरान भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। तो आज सबजादा अफरान ने शानदार 100 बनाया है। ये प्लेयर जो है कंसिस्टेंट के साथ परफॉर्मेंसेज दे रहा है, इसको हमेशा इग्नोर किया जा रहा है। इस प्लेयर्स को टेस्ट और वनडे में चांस देना चाहिए। हालांकि हमारे जो टॉप ऑर्डर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से इस प्लेयर को हमेशा जिस कहते हैं कि नज़रअंदाज किया जाता है। उसके बाद चाचो इफ्तिखार इफ्तिमानिया, क्या बैटिंग की है इस बंदे ने, 76 रन बनाए हैं 31 बालों पर, और हाईएस्ट टोटल बना दिया, 248 रन बनाए हैं, तूफानी इनिंग्स खेली हैं दोनों ने। और लड़काना में जिस कह रहा था कि ऐसी टीम है कि पहले राउंड से बाहर हो चुकी है, और उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, इस तरह की टीम ही नहीं है कि वो परफॉर्मेंस कर सके। तो इफ्तिमानिया और सबजादा अफरान की जितनी तारीफ कीजिए कम है कि एक ब्लाइंडर इनिंग्स खेली हैं उन्होंने। और मैं अभी दिन को ही बात कर रहा था कि रावलपिंडी रीजन ने बहुत बड़ा स्कोर बनाया 235, और रात को पेशावर ने कहा कि नहीं हम किसी से पीछे नहीं हैं, 248 रन बना दिया, बहुत बड़ा टोटल है। लड़का नामुमकिन ही लगता है, हर चीज़ मुमकिन, कोई भी नामुमकिन को मुमकिन हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये टारगेट जो है वो लड़का ना चीज़ कर पाए।